आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मिलिट्री ट्रायल हाँ या ना और कराची, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। सिटिंग इन द सुप्रीम कोर्ट वी लुक एट द लॉ एंड सी वेदर इट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेंच इलीगल है, फैसले वो इंसाफ पे मबनी ना हो तो उन फैसलों की कोई वक़्त नहीं होती। फौजी अदालतों का क्याम जुडिशियल सिस्टम के मुतसादिम है, बैनुल अक्वामी कवानीन की भी नफी करता है। हमने तो मिन्नत की, फौजी अदालतों का एक बड़ा ह्यूमन राइट्स का मसला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। इसको इत्तेफाक कहें या हालात का तकाजा कि माजी करीब में फौजी अदालतें जब जब बनाई गईं या उनसे मुतालिक बहस शुरू हुई तो एक चीज़ मुश्तरक थी कि हर बार मुल्क में हुकूमत नून लीग की ही थी। पाकिस्तान में अब तक सिविलियंस के ट्रायल के लिए दो बार फौजी अदालतें कायम की गईं और अब तीसरी बार अलग से अदालतें बनाए बगैर सिविलियंस के मुकदमा ट्रायल के लिए फौजी अदालतों को भिजवाए गए हैं। तीनों बार ये मामला अदालत में गया, एक बार फैसला फौजी अदालतों के खिलाफ आया, एक बार फैसला हक में आया और अब तीसरी बार फैसले का इंतज़ार है। पहली बार फौजी अदालतें उस वक्त बनाई गईं जब 1998 में कराची में हकीम सईद के कत्ल के बाद हालात बेकाबू हुए। कराची की हद तक ये अदालतें सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कायम की गईं, लेकिन ये सिर्फ दो माह ही काम कर पाईं कि सुप्रीम कोर्ट ने सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करके इन अदालतों को ही ख़त्म कर दिया। फिर दूसरी बार फौजी अदालतें कायम करने के लिए पक्का काम किया गया। सानहा एपीएस के बाद दहशतगर्दों के तेज तरीन ट्रायल के हवाले से फौजी अदालतें कायम करने के लिए आईन में 21वीं तरमीम कर दी गई। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, फुल कोर्ट बना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला फौजी अदालतों के हक में आया। यूँ इन अदालतों ने दो साल की आईनी मुद्दत पूरी कर ली। अब सानहा 9 मई के बाद पाकिस्तान में कुछ हालात तब्दील हो गए हैं, पाकिस्तान की सियासत बदल गई है, सियासत करने वालों के टारगेट्स बदल गए हैं, पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी टुकड़ों में बट गई है, उस पार्टी का चेयरमैन बंद गली में फंस गया है, -1 का जोर तेज़ हुआ, उन पर मुकदमा तो पहले ही ढेरों थे, अब आर्मी एक्ट और मिलिट्री कोर्ट की तलवार भी लटक रही है। चेयरमैन पीटीआई के फौजी अदालत में ट्रायल करने की बातें सामने आईं तो मुल्क में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स पर बहस शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर हुई और समाअत का आगाज हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद इस केस को हर फरीक अपने अपने जाविये से देख रहा है। किसी के नज़दीक ये केस सियासी और पिटिशंस फरमाइशी हैं, किसी के नज़दीक ये किसी ख़ास को बचाने की कोशिश है, किसी के नज़दीक ये हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश है, किसी के नज़दीक पहले से तकसीम सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद तकसीम करने की वजह है, किसी के नज़दीक इंसानी हुकूक का मामला है, तो किसी के नज़दीक पाकिस्तान के इमेज का इशू है। पाकिस्तान के बड़े बड़े वकील फौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं और हुकूमत इस सारे मामले में साजिशी कहानियां तलाश कर रही है। हुकूमत के नज़दीक ये केस ना किसी उसूल पर मबनी है और ना ही किसी कानून और ज़ाब्ते का इशू है, बल्कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड और पहले से तयशुदा है कि किसी ख़ास शख्सियत को बचाना है। हुकूमत के नज़दीक ये बेंच गैर आइनी है तो फौज के नज़दीक ये नहायत अहम और पाकिस्तान की कौमी सलामती का इशू है, इसलिए सजाएं देना तय है। अब इस केस की अगली समाअत कल होगी और इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दरख्वास्त गुजार और सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज अहसन साहब ने, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अस्सलाम वालेकुम चौधरी एतजाज अहसन साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आप प्रोग्राम में आए, आपने टाइम निकाला है। अच्छा सर, आपको हम हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर कानूनदान के तौर पे ही इंट्रोड्यूस करवाते थे, अब सीनियर कानूनदान तो मैंने कहा लेकिन अब सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी कहा जा सकता है, चूंकि पीपल्स पार्टी पंजाब ने तो आपकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी है लेकिन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के आप अभी भी रुकन हैं। मैं तो यही समझता हूँ, क्योंकि कोई मुझे शो कॉज नोटिस नहीं मिला, कोई और मामला उस तरफ से सेंट्रल पार्टी से जो कि मेरे खिलाफ एक्शन ले सकती है जी। उसकी जानिब से तो कोई किसी किस्म की जी। मैं ज़रा आगे प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करूंगी, इस वक्त जो अहम इशू जो जेरे बहस है ज़रा उस तरफ चलते हैं। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा, आपकी और सिविल सोसाइटी की पिटिशंस जो इस वक्त हैं, जो दरख्वास्त है वो ये कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ आपने दरख्वास्तें दायर की हुई हैं। आप नहीं समझते एतजाज अहसन साहब की जो 7 रुकनी बेंच है ये मुतनाज़ा हो चुका है सर? नहीं, मुतनाज़ा तो नहीं हुआ, 7 2 मेंबर्स निकल जाएं अपने आप को निकाल लें तो उससे कोई मुतनाज़ा, ये उनका जो ये कह देना कि हम इस बेंच को तस्लीम ही नहीं करते तो ये भी कोई मामला ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ये कोई उनका
अदालती फैसला नहीं है, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी फैसला कि हम इसमें नहीं बैठे। गैर आईनी कहा है, ये एक बड़ा कानूनी मसला नहीं है, उठ के तो चले गए, साथ साथ बेंच को गैर आईनी भी करार दे गए। ये एक बिल्कुल मसला है, ये एक आईनी या कानूनी मसला इतना नहीं है जितना फिर इंतजामी मसला है। इंतजामी मसला इसलिए है कि हुकूमत उन अल्फाज पे जो काजी फैजी साहब ने कहा कि जी मैं बैठता ही नहीं हूँ, ये अदालत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का वो कहते हैं पहले फैसला होना चाहिए, वरना तो 184 के जो बेंचेस हैं ये गैर आईनी है सारे जो बन रहे हैं, वो ये बिल्कुल ये कहते हैं। और ये मौकफ, अब बाकी 7 जज तो बैठे रहे ना, बाकी 7 जज तो बैठे रहे, इसको 7-2 समझा जाए। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस मेले में फंसने के बजाय काजी साहब को ये मामला जो अदालत का अंदरूनी इख्तलाफी इख्तलाफ है और उसमें वो चाहते हैं कि जो इजारादारी है उसकी चीफ जस्टिस की केसेस फिक्स करने के बेंचेस बनाने की उस पर कुछ कदगने लगाई जाए। हम इसमें बिल्कुल उनको, हम तो 20-25 साल से ये मेरा मौकफ रहा है एज प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी कि ये अपील का हक भी होना चाहिए और ये स्वाबदीदी हक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब एक तनाजा उनके घर में है, सुप्रीम कोर्ट में है। अब मैं उनको कहता हूँ कि वो कहा मैंने तो घर का मामला है, आप बेंच रहे हैं बेंच के अंदर, तो उन्होंने कहा ना घर नहीं अदालत है, अदालत है वो ठीक है। उन्होंने मतलब वो बहुत ज्यादा शाकी हैं, वो बहुत ज्यादा नाराज हैं जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में होता रहा और जो उनके साथ सुलूक रखा गया। आपके सब बजा चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, इनके सामने कह रहा हूँ सब बजा आपके जो एतराजात है, लेकिन इस वक्त आप अंदर झगड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं एक दूसरे के साथ, और बाहर से हमलावर आपकी दीवार के साथ आके खड़ा हो गया और दीवार के ऊपर से देख रहा है, और मौका उसको और इससे बड़ा मौका क्या। लेकिन अब इस सूरत हाल में जो फैसला आएगा उसकी आईनी हैसियत क्या होगी? आईनी हैसियत तो होगी नहीं, मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ फैसला आ जाता है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? मैं आपको एक चीज बताऊँ, ये इम्प्लीमेंटेशन का मसला बिल्कुल है, इम्प्लीमेंटेशन का मसला तो वो 5-3 वो 5 मेंबर बेंच का भी हो गया था, 4-3 और 3-2 वाला जो फैसला था वो बेसिकली बुनियादी तौर पे 5-2 वाला फैसला बिल्कुल बजा था, और 5-3-2 वाला जी। वो 3-2 वाला वो पहला जुमला पांचों जज जिससे इत्तफाक करते हैं, जो चीफ जस्टिस ने पढ़ के भी सुनाया और जिसने वो पहला जुमला था बाई ए मेजोरिटी ऑफ 3-2 वी आर गिविंग दिस जजमेंट, फिर अलग-अलग नोट्स थे पर 3 एक तरफ थे 2 एक तरफ थे। अब ये पांचों ने कहा जो 2 है उनको 4 में भी गिन लेते हैं कि ये 4 जो है ये और दो वो जो दूसरे दीगर 2 हैं वो उस बेंच पे मौजूद ही नहीं थे जिस वक्त फैसला हुआ, 5 जजेस का फैसला। लेकिन गवर्नमेंट को तो मौका मिल जाएगा ना, पहले भी नहीं माना 14 मई का फैसला, वो अब भी नहीं मानेंगे। इरफान कादिर साहब तो कह रहे हैं कि बेंच भी गैर आईनी और फैसला भी गैर आईनी, मौका मिलेगा और ये बहुत बड़ी बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ा इतने तरह का अलमिया। ये जस्टिस मुनीर के वक्त हुआ था तमीजुद्दीन के केस में, और 200 के केस में जिस वक्त इन्होंने मार्शल लॉ को, अयूब खान के मार्शल लॉ को एक जुमले में लेजिटिमाइज किया था, और वो जुमला क्या था जस्टिस मुनीर का कि ए सक्सेसफुल कूव डेटा, एक कामयाब बगावत इज एन इंटरनेशनली रिकग्नाइज, दुनिया बैनुल अक्वामी तौर पर तस्लीम करती है कि दिस इज ए सक्सेस, दिस इज ए इंटरनेशनली रिकग्नाइज लीगल मेथड ऑफ चेंजिंग ए गवर्नमेंट, कि ये अगर दुनिया में रिकग्निशन इस असूल की है, नजरिया जरूरत वाली बगावत अगर कामयाब है तो वो, अब ये वैगनर वाली कामयाब अगर हो जाती तो दुनिया क्या है। सर एक मसला है ना, देखिए यहाँ पे सिर्फ फरीक गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे एक ताकतवर फरीक आपको पता है फौज भी है। आपने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और फिर फॉर्मेशन कमांडर्स की जो मीटिंग 4 दिन चली उसका एलामिया भी देखा, कितना सख्त था फौज का गुस्सा उसमें वाजह था, और वो कह रहे थे कि जो मुलजमान है उनका हर कीमत के ऊपर जो है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा। लेकिन उनके मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ कोई फैसला आता है अगर, तो आप समझते हैं कि फिर अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट में कोई तसादुम का खदशा या खतरा पैदा हो सकता है? मेरा ख्याल है अगर दो तीन अगर पॉसिबिलिटी है, एक अगर तो 7 जजों का मुत्तफिका हो जाता है फिर तो उस पर तामील होगी। अगर 7 जज मुत्तफिका ये बैठा हुआ बैठ कर,
अगर डिवीजन हुई फिर मेरा ख्याल नहीं, मुत्तफिक का फैसला हो भी गया तो उनका रिएक्शन क्या सामने आ सकता है? नहीं, रिएक्शन उनका कुछ भी नहीं हो सकता। अगर अब 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठ के कह दें कि फौजी अदालतें नहीं लग सकती तो नहीं लगेंगी। और इसकी बड़ी छोटी सी दलील दे दो आप, बहुत पेचीदा दलील, और हमने कानून की बहुत दलायल दिए, मेरी तरफ से खोसा साहब ने, लतीफ खान खोसा ने, और बहुत से दलायल दिए, उनमें मैं सिर्फ एक को लेता हूँ जो नाकाबिल तर्दीद है, जिस तरह वो कहते हैं कि हमारे पास नाकाबिल तर्दीद शायद है, पर आप ये देखें लियाकत हुसैन के केस ने 1999 में कह दिया फौजी अदालतें नहीं लग सकती। अब ये इसमें फौजी अदालतों लगाने का एक इत्तफाक के राय कौम में होगा, पेशावर के 16 दिसंबर 2017 में जो APS वाकया हुआ था, 2014 में हुआ था, 14 में हुआ था, 2017 में फिर ये नहीं, वो तरमीम 2015 में आई 2 साल के लिए, 2017 में टॉसी दी गई 23वीं सनसेट क्लॉज थी, 23वीं अमेंडमेंट, दोनों में सनसेट क्लॉजेस थी। अब 21वीं ने 15 से 17 तक जी, और 23वीं ने 17 से 19 तक, 2 साल और कर दी। अब ये 4 साल के लिए छतरी जो थी, जो साहिबान था आईन का, इतनी सी टेरिटरी पे, वो सारी टेरिटरी में से जिसमें उन्होंने ये हटा दिया और फौजी अदालतें लग गई, ठीक है। अब 2019 में जब ये वापस आ गई छतरी, तो अब उसको आप जो सूरज नहीं गिर का साया की रोशनी नहीं गिर सकती हो इलाके पे, वहाँ साया रहे। सर 2019 में आपने कहा कि जो सनसेट क्लॉज थी वो खत्म हो गई थी, लेकिन फिर आपको याद होगा कि 2020 में एक हसन अस्करी नामी शख्स था जिसने जनरल बाजवा को एक तनकीदी खत लिखा था और फिर उसका मिलिट्री कोर्ट के तहत ट्रायल हुआ था, तो उस वक्त आप समेत बाकी लोग खामोश क्यों थे? चूंकि छतरी तो हट गई थी ना, छतरी जो थी वो हटी थी, लेकिन उसमें कुछ गुंजाइश थी फौजी अदालतों की, वो कौन सी? सिविलियन के ट्रायल की। एक ये था कि अगर सिविलियन किसी आर्मी फौजी जी को उसकी वफादारियां तब्दील करने में की कोशिश करता है कि रियासत के खिलाफ हो जाए, वो बगावत पे आमादा हो जाए, वो तस्लीम ना करे रियासत को या फौजी कमान को, जो सिविलियन ये कोशिश करता है वो ट्राई हो सकता है। लेकिन जनाब बाजवा को तनकीदी खत लिखने में ऐसा क्या था? क्योंकि अब तो वो कह रहे हैं हमला ही कर दिया। नहीं नहीं, वो तो जनरल बाजवा को जो तनकीदी खत था वो जनरल बाजवा एक फौजी को उसकी अपनी जो सलाहियत, गलत अच्छी या बुरी सलाहियत थी फैसला करने की, उसको तब्दील कर, मतलब आप कह रहे हैं उस वक्त में मिलिट्री ट्रायल जो 2020 में हुआ हसन अस्करी का वो ठीक हुआ था? वो मैं समझता हूँ, मैंने उसको देखा नहीं है गौर से या कुछ, बट जो मैंने पढ़ा लिखा उस पर ये इस किस्म का इल्जाम था जो 2(1)(d)(2) में आता था। अच्छा एतजाज हसन साहब, अब अगर वही हम बात जो कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला आता है और अगर ये गवर्नमेंट जो है वो फिर सादा अक्सरियत से कानून साजी करके मिलिट्री कोर्ट्स कायम कर देती है, फिर क्या होगा सर? नहीं नहीं नहीं, यही तो बात मैं कह रहा हूं, आईन में तरमीम करके सेटअप कर सकते, दो तिहाई अक्सरियत से, तो वो अभी आजकल सिंपल मेजोरिटी से कर रहे हैं ना? नहीं, ये उनके पास 2/3 मेजोरिटी है ही नहीं, 228 चाहिए MNAs इसमें कौमी असेंबली में, वो दो तिहाई अक्सरियत करने के, वहाँ 190 के कितने MNA, राणा सनाउल्ला कह रहे हैं हम फिर करेंगे, हम सादा अक्सरियत से ही करेंगे। राणा सनाउल्ला तो जो मर्जी कहे, तो सर अगर कर दी तो फिर क्या, फिर चैलेंज होगा, फिर मुअत्तल हो जाएगा? अब ये इसकी मैं मिसाल आपके सामने दे नहीं सकता हूँ, जो किसी ने कहा कि ये काम हो सकता है मौलाना, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, उन्होंने कहा हमने तो कर लिया, ये एक मशहूर फतवा, एक एक कहानी है, वो कहता है ये काम हो सकता है, मतलब गुंजाइश निकाली, शरई तौर पे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, गुंजाइश निकाली ना, नहीं गुंजाइश नहीं निकाली, उसने कहा हमने तो कर लिया, आप किसका कहते हैं कि नहीं हो सकता? ठीक, अब ये इस तरह के, अब ये तो कोई दलील नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, आप कहते हैं जी आईन का क्या रह गया, 90 दिन का कहाँ गए 90 दिन, मुझे कई लोग कहते हैं कहाँ गए 90 दिन, किधर गए तुम्हारे, कहाँ आईन का क्या? मैंने कहा आपने एक कत्ल कर लिया हो तो दूसरे कत्ल का जवाब नहीं बन जाता,
ठीक। अच्छा एक सवाल और है कि ये भी कहा जा रहा है कि अब हर मामले को आर्टिकल 184(3) के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही ले जाया जा रहा है डायरेक्टली, तो आर्टिकल 199 जो है वो तो जो हाई कोर्ट्स हैं उसके दायरे इख्तियार की बात करती है ना, तो वहां पे उस फोरम को तो कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। अभी जो पंजाब में इलेक्शन वाला मामला था वो भी आप देखें हाईकोर्ट में चल रहा था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया और ये मामला भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, तो हाईकोर्ट्स को क्यों नहीं पहले वहां क्यों नहीं रुजू किया जाता? दो तीन इसमें उन्होंने गुजारिशात की हुई हमने। एक तो हमने दिखाया है कि चारों हाईकोर्ट्स में जो FIR हुए हैं चारों सूबों में, और यही पॉइंट सब में उठाया जाना है। सो इसमें कि पहले हाई कोर्ट सुने फिर ये ताखीर इसमें होगी, और ये फौजी अदालतों को रोकना बड़ा जरूरी है, क्योंकि फॉर्मेशन कमांडर्स ने जो 7 जून को फैसला दिया उन्होंने कहा कि ये ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं, इनका आगाज हो चुका है, हमें तो पता ही नहीं। नहीं लेकिन अगर हाई कोर्ट में होता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है ना, यहां पर तो सिर्फ नजरसानी की गुंजाइश है, अपील नहीं हो सकती। ये कहा जाता है इस पे, ये कहा जाता है कि चार हाईकोर्ट्स के कॉन्फ्लिक्टिंग फैसले आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट एक ही कर ले। इसमें ये उन्हें बहुत सारी मंजरें हैं, नवाज शरीफ का जो केस था वो 4 हाईकोर्ट्स में था 1993 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने सामने रख लिया कि कॉन्फ्लिक्टिंग फैसले ना आए। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर अगली दफा बीबी शहीद का केस हुआ तो वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में था, एक ने स्टे भी दिया हुआ था ये सरहद ये खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ले लिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट करता है पहली बात। दूसरी बात ये है यहाँ जो एक ज्यादा जरूरी और अहम बात है कि 199 खुद ब्रैकेट 3 में और 245 जो इन्होंने नाफिज किया कि 245 फौज को तलब किया वो अपने वो भी तीसरी शिक में ये कहते हैं कि ऐसे मामले में फौजी किसी कानून के तहत जो मामला कोई रेज किया हो उसको हाई कोर्ट अंडर 199 नहीं सुन सकती। ओके अच्छा सर, अब कल फिर इस केस की समाप्त है और आपको लगता है कि ईद से पहले इसका फैसला आ जाएगा, चूंकि बुध से ईद की छुट्टियां हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ ट्यूसडे मंडे और ट्यूसडे दो दिन हैं। हाँ इम्कान तो यही है, चीफ जस्टिस साहब ने यही इंदिया दिया कि वो दो दिन की समाप्त और करके फैसला देना चाहेंगे। अच्छा अब एक तासुर यह है कि इस मामले के ऊपर ज्यादा शोर इस वक्त में इसलिए मचाया जा रहा है ताकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बचाया जा सके, चूंकि एक ये भी बड़ा खतरा है कि कहीं उनका भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, उनके ऊपर भी ये मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की तलवार लटक रही है, तो क्या ये भी एक वजह है? मेरी तो पिटीशन जो है उसमें तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो भी और वजीर आजम भी राना सनाउल्ला भी और ख्वाजा आसिफ भी ये सब रिस्पॉन्डेंट्स हैं। मैंने तो उनको मसूल लाया के तौर पे, और मेरा कहना ये एक बहुत और दलाइल में बहुत एक दलील ये भी है कि इन दो का मामला है, झगड़ा है, घर का झगड़ा है इनका कोई, और सारी कौम मिलिट्री कोर्ट के जद में आ रही है, ये हमारा क्या कसूर है? जो लोग ना इस मामले में शरीक है ना इसकी को सराहते हैं इस सारे बकुआ को, और जो लोग आम शहरी हैं वो सारे आ जाएंगे अंडर दी सॉर्ट ऑफ। यहाँ पे एक और बात भी की जा रही है कि पहले आप चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिले और उसके बाद फिर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले और उसके एक दिन के बाद फिर ये जो दरखास्त है ये पिटीशन लग भी गई और बेंच भी बन गया, तो ये जो पूरा प्रोसेस है आप समझते हैं कि ये शफाफ है? मैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को नहीं मिलाया इससे पहले कुछ उससे मैं एक दिन पहले दो दिन पहले मिल के गया हूँ। मैंने फाइल की है, फाइल करने के बाद ये एक मरवज, मैं जब से वकालत शुरू की है मरवज जाबता है कि अगर वकील ने जल्दी लगवानी हो केस और साहिल चाहता हो जल्दी लगे तो वकला या सुबह 9 बजे से पहले जज साहब के बैठने से पहले या 1:30 बजे के बाद वहाँ उनके चेंबर में जाते हैं चीफ जस्टिस के, चीफ जस्टिस के चेंबर में जाके उनसे इस्तदा करते हैं जी ये वजह है ये इसमें अर्जेंसी है ये लगा दी जाए। तो हमने वो लतीफ़ खोसा और मैं दोनों हम सीनियर लॉयर हैं, हमें इस रवायत का नहीं पता, ये रवायत मैं जब बहुत जूनियर वकील होता था उस जमाने से हम। अच्छा सर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? 150 केसेस तो हैं ही उन पे, लेकिन जो बड़े केसेस हैं उनमें ये अलकादे ट्रस्ट और तोशाखाना केस की बात की जा रही है, तो आप समझते हैं कि ये बड़े मजबूत केस हैं और इसमें ये नाअहल भी हो सकते हैं और जेल भी जा सकते हैं?
देखिए, मैंने बड़े बड़े मजबूत केसेस को बर्फ की तरह, धूप में बर्फ की तरह। आपको लगता है कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं उन्होंने वाकई 9 मई के वाकयात जो हैं वो खुद करवाए होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है इन्होंने ही प्रोवोक किया, आपने वर्कर्स को भेजा लोकेशंस देके कि हमले कर दो। सबसे पहला जो गवाह समन करना चाहिए ना इस केस में है, अदालत फौजी हो या दूसरी हो जी, वो चारों सूबों के आईजी को फर्दन। आप बताएं, आपके पुलिस का नफरी 8 मकामात पर आपके सूबे में ये गिराव जलाओ हो रहा था, इतने घंटे रहा। एमएम आलम का जहाज जला दिया गया जी। जहाज की स्किन, हवाई जहाज की स्किन जो होती है वो आग नहीं लगती उसको, वो साउंड बैरियर क्रॉस करता है, ठपास होती है, लेकिन वो स्किन जो है वो बड़ी खास केमिकल। फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग में भी और कोर कमांडर्स की भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मास्टरमाइंड की वो बात कर रहे हैं। देखो, मास्टरमाइंड का उसका एहतसाब होगा। अब मुझे ये बताओ, ये मेरा एक दूसरा सवाल था। एक तो ये था कि बुनियादी आईन का, जब मिलिट्री कोर्ट लगाने थे तो आईन की छतरी को आपको हटाना पड़ा, मिलिट्री कोर्ट लगाए गए। जिस वक्त मिलिट्री कोर्ट खत्म हुए थे आईन आ गया और वो मिलिट्री कोर्ट अब नहीं। अब दूसरा सवाल बड़ा क्लियरली जी, ये फौजी अदालतों जी, कोर कमांडर्स ने 15 मई 2023 को, इसी साल 15 मई के अपने मीटिंग का जो फैसला है उसमें कहा कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले हैं जिनको ना झुठलाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है। उनके अल्फाज हैं ये, बिगाड़ने की मुझे नहीं समझ आई, पर ना ये ISPR की प्रेस रिलीज 7 जून 2023 को फॉर्मेशन कमांडर, अब सारे कोर कमांडर्स भी आ गए, सारे डिविजनल कमांडर्स भी आ गए, सारे ब्रिगेड कमांडर्स भी आ गए, ये कोई 125-150 तकरीबन, मुझे नहीं एग्जैक्ट पर कोई 100 से ऊपर कहे जाते हैं, ये सारे आ गए, उनकी तस्वीर भी लगी हुई है प्रेस नोट। वो कहते हैं नाकाबिले तरदीद है, इनको झुठलाया नहीं जा सकता और ट्रायल शुरू हो गए, मिलिट्री कोर्ट्स भी दबाव में फैसला दे सकती है। अब कौन सा कर्नल है जो कि इस फैसले के खिलाफ जा सकता है, जो कि कोर कमांडर्स ने भी लिया हुआ है, फॉर्मेशन कमांडर्स ने। राइट सर, लेकिन इस वक्त में जो हम पीटीआई की बात कर रहे हैं उसमें आपने देखा कि सारे लोग चेयरमैन पीटीआई को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, पार्टी जो है वो टूट फूट का शिकार हो रही है, लेकिन ऐसे वक्त में चौधरी एतजाज एहसन और लतीफ खोसा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ खड़े हुए हैं, इसकी कोई खास वजह है? बड़ी जुर्रतमंदाना बात है वैसे। मैंने तो बताया आपको, मेरा रिस्पोंडेंट है वो, तो मेरा मसूल अलग है, जिसको मैं खुद कटहरे में डाल रहा हूँ, क्योंकि भाई आपका झगड़ा और शहबाज शरीफ का झगड़ा सारी कौम को आपने इसमें लपेट दिया है और हमें नुकसान हो रहा है। अब ये मैं तो उसके मतलब है उसकी इसको तरफ फरीक ही नहीं हूँ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का। मैं फौजी अदालतों को बगैर आईनी तरमीम के, आईन में तरमीम कर लें तो हमारी दलील खत्म हो जाती है। दो ताई अक्सरियत से होगी ना, लेकिन मसला ये है कि वो अभी आपने खुद ही बता दिया कि वो है नहीं। आपको लगता है वैसे इस साल इलेक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी अक्टूबर और नवंबर की बात तो कर रहे हैं? इलेक्शंस उस वक्त तक जरा मुश्किल लगते हैं जब तक ये इनको तसल्ली नहीं हो जाती, कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाती पीटीआई। हाँ, उस वक्त पीटीआई के सब न्यूट्रलाइज तो कर दिया है बहुत हद तक, अब पीटीआई तो बस वो अब तो नहीं, बहुत हद तक किया है। मैं ये कहता होता हूँ कि पाकिस्तान में यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट, बिल्कुल ठीक है, माजी के अलावा कोई पेशींगोई नहीं कर सकते जी। क्या आप 8 मई को ये सोच सकती थी कि इतनी कायनात सियासत पाकिस्तान की, सियासियात पाकिस्तान की तब्दील हो जाएगी? अच्छा, अब तमाम सूरत हाल को देखते हुए मियां नवाज शरीफ के भी वापस पाकिस्तान आने की बहुत बातें हो रही हैं, आपको लगता है 1-2 माह में वापस आ जाएंगे और क्या उनको भी अदलिया की तरफ से उस तरह का रिलीफ मिल जाएगा, चूंकि मरियम नवाज शरीफ को तो मिल चुका है ना? नहीं, मियां साहब को मिलना जरा मुश्किल है। मियां साहब ने जो 2-4 साल की फरारियत काटी, इंजॉय की है ना, ये अदालत से को जमानत दे के गए हुए हैं, जमानत चाहे 50 रुपए की थी पर दे के गए हुए हैं कि मैं वापस आ जाऊं। अदालत ने तो कहा ना, जब आए तो अपील कर सकते हैं। नहीं, अपील कर सकते हैं, वो सबको कर सकते हैं, पर रिहाई नहीं मांग सकते।
तो जेल जाएंगे, आएंगे तो पहले 100% कोई आपको मैं बताऊं मफरूर के बारे में इतनी जजमेंट्स हैं, अदालत नहीं चाहती कि मफरूर हो जाए हमारा मुल्ज़िम, इतनी जजमेंट्स हैं कि वो मतलब उनको शुमार ही नहीं किया जा सकता. अब इन और मफरूर के बारे में कहा जाता है कि वो अपने तमाम राइट्स जो है हकूक वो उनसे दस्तबरदार हो जाता है आईन और कानून के तहत. ठीक है, तो इनको सबसे प्रॉब्लम ये होगी नंबर एक. नंबर दो, इनको ये चाहिए होगा माहौल कि जिसमें ये जो तहरीके इंसाफ का सदर है, चेयरमैन जो है जी, उसका नाम नहीं लेना बिल्कुल वरना कट जाएगा. अच्छा, ये सदर है, ये बिल्कुल इसको और इसकी रूह को दफन नहीं कर दिया. आपको लगता है आप कभी चेयरमैन पीटीआई दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बन सकेंगे? देखिए, पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशिंग कोई की नहीं जा सकती. मैं तो पहले, लेकिन आपने ये कहा ना कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ जो हैं वो सारे फैसले वही कर रहे हैं और वो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा बाइख्तियार फर्द हैं, और इसमें आपने मरियम नवाज को भी क्रेडिट दिया है कि उनकी भी जिद्दोजहद है. तो ये सिर्फ वाकई जिद्दोजहद ही है या वो जो माजी में डील करने की प्रैक्टिस है उसका भी अमल दखल है? नहीं, वो भी होगा अमल दखल, पर जिद्दोजहद मरियम की तो माननी पड़ती. तो वो वजीर आजम पाकिस्तान बन सकती हैं? बन सकती हैं, बट उनसे बेहतर वजीर आजम बिलावल होगा. पाकिस्तान भी बड़ा, पार्टी तो बड़ा मच्योर अंदाज से फॉरेन ऑफिस. आपको लगता है एतजाज हसन साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में इतनी अक्सरियत हासिल कर लेगी कि वो फिर अपनी जो गवर्नमेंट है वो वफाक में भी बना सके? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले चंद सालों में ये डेमोन्स्ट्रेट किया है, और इसमें अगर कमाल किसी का है तो आसिफ जरदारी का है, कि वो अपने कमजोर पत्तों से भी मात कर सकता है. तो मेरे ख्याल में ये हमें रखना चाहिए इन ये पर अगेन आई से. आपको पीपल्स पार्टी का ही चांस लग रहा है? आपको लग रहा है बिलावल भुट्टो अगले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो सकते हैं? हो सकते हैं, होने को तो मरियम भी हो सकती है, पर मेरा ख्याल है ज्यादा चांस मरियम का. एक ही दलेरी है कि जहाँ उसके भाई, दो भाई छुप के बैठे हुए हैं, पाकिस्तान आने को तैयार नहीं, वालिद साहब पाकिस्तान आने को तैयार नहीं, उसमें उसने छलांग लगा दी है. अच्छा सर, आखिरी सवाल, ये इस्तेहकाम पार्टी जो बनी है इसका क्या होगा? ये किसका पत्ता काटेगी, साफ करेगी, या किसके साथ इत्तेहाद करेगी? माजी का कुछ नहीं कहा जा सकता. हो सकता है उन प्राइम मिनिस्टर ही उनके तरफ से आए, वो पेट्रियट्स जिस तरह बन गए थे हमारे पीपल्स पार्टी के, ये कोई तहरीक इंसाफ के पेट्रियट्स बने हों ब्रैकेट्स में, और इनमें से कोई आ रहा हो. ये तो कारखाना साज जो है, उन्होंने कुछ कारखाने से नई प्रोडक्ट निकालनी होती है हर दफा. कभी शौकत अजीज निकल आता है, कभी कोई और निकल आता है. तो सर वही ना, जिन्होंने बनाई है, जो आप जिन्हें कारनामा साज कह रहे हैं, तो वो उन्होंने कुछ सोच के ही बनाई होगी ना. पहले भी जो जमातें बनाई हैं वो भी तो कुछ सोच के ही बनाई थी, और जाहिर है वो भी एक वक्त तक तो सामने रही. कुछ तो ऐसी जमातें जिनके नाम भी अभी तक याद नहीं है लोगों को, अब तो कुछ सोचा तो होगा ना इसके बारे में भी? सोचा होगा, पर यहाँ तदबीर के शातिर ने किया मात वाली, तकदीर को तबदीर के शातिर ने किया मात, इस दफा ये होने वाला लगता है. ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एतजाज हसन साहब, प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद थे. सर अब ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज पीट. जमात इस्लामी का मेयर बनेगा और इस मेयरशिप को कबूल नहीं किया जाएगा. हमें रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए और फिर मिलकर लोग इस शहर कायद की खिदमत करें. हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, खरीदो फरोख्त और जो भी उठा पटक हो रही, मैं समझता हूँ कि वो शहर को सर्व नहीं कर सकेंगे सही तरीके से. कराची शहर की तरक्की का तस्करा उस शख्स के तस्करे के बगैर अधूरा है. जब भी कराची के लिए किसी के दिन रात काम करने की बात होगी तो उस शख्स की बात होगी. जब उस शहर में दहशतगर्दों के खिलाफ जद्दोजहद की बात होगी तो उस शख्स की बात होगी. जब भी कराची के नौजवानों को जराइम से बचाने की बात होगी तो उस शख्स की बात होगी. उस शख्स ने अपनी पार्टी छोड़ी, ओहदा छोड़ा, सेनेटरशिप छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई और ताकतवर शख्सियत के खिलाफ जहाद का आलम बुलंद किए रखा. और ये शख्सियत कराची के साबिक मेयर, पीएसपी के साबिक सरबरा और अब एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल हैं, जो इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलामुअलैकुम सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए.
वालेकुम सलाम पारस, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, लगता नहीं कि तारीख खुद को दोहरा रही है, चूँकि 2001 में जब MQM ने बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया था तो जमात इस्लामी के नेमतुल्ला खान मेयर बन गए थे, और अब फिर बल्दियाती इंतखाबात का MQM ने बायकॉट किया तो जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर्रहमान मेयर बनते बनते रह गए। तो सर आपको लगता है कि आप लोगों का ये फैसला दुरुस्त था या आपको पछतावा है इस पे? नहीं, गिवन सर्कमस्टांसेस में हमारा फैसला दुरुस्त था और चूंकि मैं कुछ चीज़ों की मैं हिस्सेदार रहा हूं इस हवाले से इन मीटिंग्स का, तो जो गिवन सिनेरियो था, जो सिचुएशन थी, उस हवाले से हमारा जो है फैसला बिल्कुल ठीक है। और आप देखिए कि कैसे जूतियों में दाल बट रही है, और 53 यूनियन काउंसिल्स पारस उन्होंने इंक्लूड करना थे, जो कि इंक्लूड करने का अंदिया दे दिया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, और इस हवाले से लेटर लिखा गया था इलेक्शन कमीशन को कि आप 30 दिनों तक और सबर कर लें, क्योंकि 3 सालों के डिले के और ऑलरेडी डिले के बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं, और हमारी ये प्ली थी कि शहर में 70 यूनियन काउंसिल्स कम कर दी गई हैं, 70 यूनियन काउंसिल्स पे एक पूरा शहर बनता है, और पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 53 यूनियन काउंसिल्स की हमारा जो क्लेम था वो मान लिया, और उसके बाद उन्होंने लेटर लिख दिया कि हम इस क्लेम को मानते हैं और इस पे हम इसको इंक्लूड करना चाहते हैं, 30 दिनों तक और इलेक्शन बढ़ा दें। इलेक्शन कमीशन ने ये बात नहीं मानी, हमने तमाम पार्टी से दरख्वास्त की कि आप हमारी बात माने, रुक जाएं, अगर हाफिज नईम साहब हमारी बात मानते तो आज जो है पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं होता शहर। ये बात ठीक है कि MQM में जब आप दोबारा शामिल हुए हैं, शमूलियत अख्तियार की है, तो MQM इससे मजबूत हुई है, उसको स्ट्रेंथ मिली है, कम अज कम अब MQM का जो वोट बैंक है वो तकसीम नहीं होगा। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, क्या इस मरतबा भी PSP को जम करने की वैसी ही कोई ऑफर आपको दी गई है जो कि 2018 में PTI में जम करने के हवाले से दी गई थी? सर पारस, आपको आप थ्रू आउट इस तमामों को जानती हैं, आपने बहुत दफा इंटरव्यूज किए हैं और आपको पता है कि मैं ऑलमोस्ट सारी बात कर ही लेता हूं। मैं समझता हूं कि नहीं, हमारा DNA नहीं है किसी के प्रेशर में आना या कोई गलत बात मानना, और 2019 का आपने खुद हवाला दे दिया कि हमें वज़ीर आज़म वाली पार्टी में शामिल करने की बात की जा रही थी, उस वक्त के लोग और हमें सब कुछ दे रहे थे, और हम तो उस वक्त हारी भी पार्टी थे, ताज़ा इलेक्शन हारे थे, हमारा कोई सामने तरह तरह के लोग हमसे बातें करते, लेकिन हमने उस वक्त खुद को खड़ा रखा और मजबूती से के साथ खड़ा रखा। नहीं, आज देखें इस स्प्लिट के आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि चले हमारा मुकाबला है वो अपने आप से ही है, खुद से ही मुकाबला है। अब तो सवाल वही वोट बैंक का आ गया ना सर, और कहा जाता है कि जिसने MQM बनाई थी वोट बैंक भी उसी का है, जिस तरह PTI के हवाले से कहा जाता है कि वोट बैंक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। जितने भी देखें जिमनी इंतखाबात हुए, MQM और PSP जब थी उसने लड़े तो उसमें तो टर्न आउट कम ही रहा ना, तो आप उस वोट बैंक को अपनी तरफ कैसे माइल करेंगे, क्योंकि वहां से कॉल आ जाती है और उसके बाद बायकॉट हो जाता है सर, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते फिर। देखिए 2018 में जो कुछ हुआ है ना, उसके बाद जो है काफी लोगों के माइंडसेट पे फर्क पड़ा है। 2018 में लोग निकले थे और लोगों ने हमें भी वोट दिया था, MQM को भी वोट दिया होगा, MQM को भी वोट पड़े होंगे, लेकिन जो है वो हम अपना जानते हैं कि हमें भी लोगों ने वोट दिया और हमारे पास नंबर्स थे बाकायदा, और 9:16 तक जो है वो 3 जो नेशनल असेंबली की सीट्स पर रिजल्ट आ रहे थे, वो रिजल्ट सबके सामने आज भी रिकॉर्डेड हैं। हम उससे आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि नहीं, उनकी अगर बात लोग सुन रहे होते तो आज इस कराची का नक्शा जो है कुछ और होता, वो टाइम गुजर गया और वो सोशल मीडिया तक टाइम गुजर गया। मुस्तफा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि 8 साल के बाद ये MQM लंदन की जो वेबसाइट है ये कैसे अनब्लॉक हुई है सर, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या हुकूमती सरपरस्ती के बगैर ये काम हो सकता है आपके ख्याल में? इतना बड़ा ये कोई इशू नहीं है, मुझे नहीं लगता कि जो है वो शायद मैंने सुना है वो ब्लॉक भी हो गई, दोबारा बंद भी हो गई है, लेकिन जो है वो इतना बड़ा वेबसाइट खुलना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए देखें वो तो रोजाना सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और तमाम चीजों पे, अपनी जो भी सोशल मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं वहां पे तो अपनी बात कर रहे, तो उनकी उनके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं, बल्कि आज तो लोगों को कॉन्टेक्ट करना एकदम खुल गई। आप ये बताएं ना कि हुकूमत से आपने वैसे इस पे बात की, किसी से पूछा कि भाई किसके फैसले से हुआ? आपके वो जो IT मिनिस्टर है अमीनुल हक, वो तो कहते हैं कि ये PTI ये फैसले करती है, तो किसके फैसले से हुआ जिसने IT मिनिस्टर को एतमाद में नहीं लिया? नहीं, एक्चुअली इसमें भारत इतना बड़ा मसला नहीं है हमारे लिए, वेबसाइट किसी की वेबसाइट पे खुलने पे हमें क्यों परेशानी हो जानी चाहिए, कोई मसला क्यों हो जाना चाहिए, ये हमारे लिए इतना बड़ा कोई मसला नहीं कि उसके लिए हमारे मेरा IT मिनिस्टर बात करेगा। सर एक सेकंड सर, स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है ना, आज वेबसाइट जो है उनकी अनब्लॉक हो गई है, कल कुछ और हो जाएगा, फिर एक स्टेप और आगे आ जाएगा। आपने आपके इल्म में है कि इस वक्त कराची में बानी MQM के हवाले से वॉल चॉकिंग भी हो रही है, क्या ये भी महज इत्तेफाक है या अब उनको मुसल्लत करने की दोबारा कोई कोशिश हो रही है? नहीं, ये तो 7 सालों से वॉल चॉकिंग तो हो ही जाया करती है ना कहीं वॉल चॉकिंग होना तो कोई मसला नहीं है। आप बड़े पुरउम्मीद हैं, तो क्या ख्याल है कि फिर इस दफा 2023 में अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो MQM सूबाई और कौमी असेंबली की कितनी नशिस्तें जीत सकेगी सर?
जी हमारी इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि एम के एम अपने 2013 वाली पोजीशन पे वापस आए और 2013 में इस शहर में 20 में से 17 सीटें एम के एम के पास थी, हैदराबाद की सारी सीटें एम के एम के पास थी। हमारी कोशिश है इंशाल्लाह ताला और अब उसी इसी हवाले और कोई वजह नहीं है कि एम के एम वापस ना आए। एम के एम के अंदर एक नया जोश जज्बा है और जो जो एक बबल आया हुआ था दूसरी पार्टीज का, कोई एक झूठ के ऊपर सारा ये एक 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 राई का पहाड़ बनाया हुआ था, वो सब लोगों के सामने सब चकनाचूर हो गया। तो तमाम लोग अपनी रियल वर्ल्ड में वापस आ गए हैं और मैं समझता हूँ कि हमें खामियां होंगी, कल भी होंगी और आज भी है, लेकिन वी आर द लेसर इवल्स वाली बात है कि हमने जो है वो जो कुछ भी आज शहर में है, आज हम भी हमने खुद को अपने आप को बहुत चेंज किया है। हमारे यहाँ बहुत इस थिंकिंग चल रही है, बहुत ये बड़ी अच्छी बात है। कैसे जो है वो अपनी तमाम जो है अगर कोई आपने कहा कि आपने खुद को डेफिशिएंसीज रह भी गई है लोगों जी चेंज किया। अच्छा अब ये मुर्तजा वहाब पारस हम सब ने जी ये मुर्तजा वहाब जो है वो 6 माह के लिए कराची के मेयर मुंतखब हो चुके, वो गैर मुंतखब हैं और उनको स्पेशल कानून साजी के तहत मेयर बनाया गया है और ये सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग भी है इस वक्त। तो आपको लगता है कि ये अब 5 साल अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगे? वैसे अगर वो कर भी ले तो उससे क्या बिगड़ जाएगा कराची का जो और ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है, इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगा? 15 सालों से इसी पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, पिछले 4 सालों से वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर इस शहर को चला तो रहे थे, तो उनको तो कोई रोकने वाला नहीं है ना। 13 हजार अरब रुपए उन्होंने पिछले 10-15 सालों में खर्च किए, 13 हजार अरब रुपए। और शहर का शहर आप देखें कि पहले एक कतरा पीने का नहीं दिया उन्होंने 15 सालों में इस शहर को, जो पानी बल्कि हमारी लाइनों में आता था उसको भी चोरी करके हम ही हाइड्रेंट के जरिए अरबों रुपए का पानी बेचते हैं। एक नई नया कॉलेज नहीं है, एक नया स्कूल नहीं है, कोई नई सड़क नहीं है और कचरे का धाम है शहर, दिन में बिजली, रात में बिजली नहीं, सुबह गैस नहीं, तो और नौकरियां 5 लाख तकरीबन नौकरियां दे चुके हैं। एक नौकरी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से मुस्तफा कमाल साहब आप सवाल करें ना तो वो हॉस्पिटल आदाद आपको बताएंगे, वो गिनवाएंगे, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट का सवाल करें तो आप ठीक कह रहे हैं कि उसके हवाले से उस तरह खातिर ख्वाह जवाब सामने नहीं आते हैं। लेकिन मैं फिर वही सवाल कर रही हूँ कि 15 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, लेकिन उसके बावजूद अब आपको लगता है कि जो मुर्तजा वहाब हैं इनको कराची के जो इश्यूज हैं उनको ये बखूबी जानते हैं और पहले नहीं किया तो अब उसको हल करने की जानिब आप अपना कदम बढ़ाएंगे? कराची में निकासी आब और सीवरेज का निज़ाम कायम होगा, पानी का मसला जो आप बता रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, टैंकर माफिया से जान छूट जाएगी, ये कूड़ा करकट और गलाजत साफ हो जाएगी, टूटी सड़कें हमें नहीं देखने को मिलेंगी, ये अर्बन फ्लड जो है इससे लोगों की जानें नहीं जाएंगी, ऐसा हो सकता है? कितना होने हार बच्चे के ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पैर जो है वो पालने में जो है ना वो पता चल जाता है। तो ये जो होना जिनका आप जिक्र कर रही हैं, ये 1.5 साल पौने 2 साल जो है वो ये एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं और क्या डिलीवरी है वो सबके सामने है। तो अभी ये जो नए टैग के साथ भी आ जाएंगे, देखें पीपल्स पार्टी एज अ होल जिस तरह की करप्शन है शहर में, जिस तरह से सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, जिस तरह से ज़मीनें कब्जा की जाती हैं, जिस तरह से एक किसी भी प्रोजेक्ट पे 50% 60% तो जो है वो अप फ्रंट चला जाता है सारा। तो मुझे खुद मैं अगर आई वुड बी फूलिंग माई सेल्फ कि मैं अगर कहूँ कि जी नहीं अब बड़ा कोई अच्छा हो जाएगा और सारी चीज़ें, अब मेरी तो दुआ है और कि मिरेकल शुड हैपन और ये हो जाए। कराची हाइट में चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनके इनको इनसे काम करवा ले, मेरे शहर का भला हो जाए, लेकिन दिलों में डाल दे इनके, अल्लाह ताला कर सकते हैं, लेकिन जो ये मिरेकल होगा सामने के जो असबाब नजर आ रहे हैं उन असबाब। आप तो सिर्फ कराची शहर की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी नहीं है, वो तो समझती है कि अगला वजीर आजम जो है वो बिलावल भुट्टो होंगे। अब आपको ऐसा लगता है हो सकता है ऐसा? ये जब वजीर आजम बन सकते हैं तो कोई भी वजीर आजम बन सकता है। तो एमकेएम किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल है काम में सर, पीपल्स पार्टी के या नून लीग के साथ इस वक्त आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं काम करने के हवाले से? देखिए हमने अपने अपनी एक अपनी बहुत खुद को बहुत घंटे लगाकर हमने अपना एक एजेंडा बनाया है कि अब हमें जो है वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 140A में आईनी तरमीम चाहिए 3 जी। जिस तरह से वजीर आजम वजीर आला के अख्तियारात और उसके डिपार्टमेंट आइन में लिखे हुए, डिपार्टमेंट में अर्ज कर रहा हूँ डिपार्टमेंट्स आइन में लिखे हुए हैं, लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी आइन में लिख दिए जाएं। जिस तरह से NFC अवार्ड का पैसा आइन में लिखा हुआ है उस तरह से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन PFC अवार्ड के पैसे आइन में लिख दिए जाएं। और तीसरी बात ये लिख दी जाए कि जब तक लोकल गवर्नमेंट इलेक्टेड मौजूद नहीं है उस वक्त तक जो है वो मुल्क में MPs MNAs के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जो कोई भी पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन में हमसे अगर वोट लेने आती है, अल्लाह ने हमें इज्जत दी, हमें वोट दिए लोगों ने,
हमारे पास सीटें आई और हमारी किसी को हिमायत चाहिए, अब ये वाली एमकेएम वजारत और सदारत और एडवाइजरी की बात नहीं करेगी। ये अपने हमारे पास 13 पेजेस पे एक मुसवदा तैयार है, हम सामने रखेंगे कि अपने वोट और हमारे वोट मिलाकर आओ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेश करते हैं। जो भी हमारी ये बात करेगा, चाहे वो जरदारी साहब हो, पीएमएलएन हो या एक्स वाई जी कोई भी हो, हम उसके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार। अल्लाह करे ऐसे ही हो, माजी में तो फिर बड़ी खराब एग्जांपल्स हैं। किसी मिनिस्ट्री जी बिल्कुल जी कि किसी मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री लेने के बजाय हम लोगों की ग्रास रूट लेवल डोर स्टेप पर इख्तियारात और वसाइल को वजीर आला हाउस से निकालकर गलियों में लेकर आना चाहते हैं। ये हमारा जो है वो पूरा मोटिव है। ठीक, अच्छा एक आखिरी बात और बता दें, ये अभी हम बल्दियाती इंतखाबात की बात कर रहे थे, तो ये पख्तून को जमात इस्लामी के साथ आप समझते हैं कि हाथ हो गया, धोखा हो गया है, या मुर्तजा वहाब जो है वो दुरुस्त मेयर मुंतखब हुए? देखिए जमात इस्लामी नमी ने को बहुत मादर के साथ हाफिज नईम साहब को सोलो फ्लाइट की जो है वो जो एक चस्का पड़ा हुआ था वो समझ रहे थे कि उन्होंने पूरी कराची को फतह कर दिया। भाई वो ये कैंपेन नहीं चला सकते थे, हमने आकर जो है वो शहर में दहशतगर्दी खत्म की है, लोगों को अपने इस शहर को अमन दिया, सुकून दिया, वो किसी चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। और वो जब हम अभी धरना भी देने जा रहे थे साथ, हमने बहुत उनसे उनके पास चले गए, उनके झंडे के नीचे बैठने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हमने उनके एटीट्यूड में पॉजिटिविटी नहीं देखी। वो अपनी सोलो फ्लाइट लेकर चलना चाहता, हम कहते हैं भाई चलो इलेक्शन जीत लेना लेकिन किसी कॉमन कॉज में तो साथ खड़े हो जाओ। उनके दिमाग में था कि वो कोई मिल जाएगा तो शायद उनके कोई हिस्सा उनका कम हो जाएगा। अभी उन्होंने जो अरबों रुपए लगाने के बाद अगर एमकेएम लड़ती है ना इलेक्शन, तो ये इनको ये जो 3,000 पे 100 सीटें मिली ना, ये भी नहीं मिलती है, कहीं के भी नहीं रहते। तो जिससे नहीं, हमारे नहीं लड़ने के बावजूद भी नहीं, वो जिससे उम्मीद थी उनके तो वो कह रहे ना कि 32 लोग जो है वो गए, 15 जून की सुबह उनसे राब्ता मुनकता हो गया, वो कह रहे हैं वो पीटीआई भाई उनके वोट गायब नहीं हुए, पीटीआई के वोट गायब हुए ना, उनके कहां से वोट गायब हो गए? वो साथ दे रहे थे ना जमात इस्लामी का, पीपल्स पार्टी क्या करेगी? वो चेयरमैन पीटीआई ने कहा था भाई वो किस ऑफ डेथ ना, इट वाज अ किस ऑफ डेथ। आप जाकर आज के साथ आप तस्वीर खिंचवा रहे हो, आप समझ रहे हो आपके वोट गायब नहीं होंगे, मतलब किस सहमो को कि जन्नत में रहना है, इट वाज अ किस ऑफ डेथ। ये अल्लाह ताला जो है वो पता नहीं कि उनकी अकल पे पर्दे पड़ गए कि आज वो आज के इस दौर में वो समझ रहे हैं कि वो अलग अपनी एक कोई अलग पॉलिसी चलाएंगे, उनको नजर नहीं आ रहा मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा। वो जाकर खान साहब के साथ तस्वीर खिंचवाएंगे तो यहाँ पर उनको उनके बड़े बड़े स्टॉल लॉर्ड्स जो है वो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो बेचारा यूसी नाजिम कैसे खड़ा होगा इनके साथ? सर मुझे सिर्फ ये वो ही सवाल है, आप ठीक कह रहे हैं, आपने अपने एतराजात भी बताए, लेकिन आप समझते हैं जमात इस्लामी के साथ धोखा हुआ है या नहीं हुआ है, ये शिकस्त दुरुस्त है इनकी? नहीं धोखा किसे नहीं, भाई पारस आज के इस पाकिस्तान में यही जेरीमेंडरिंग चल रही है ना, इट्स द रूल ऑफ, यही हो रहा है सब। तो भाई फिर तो आप जमात इस्लामी का साथ चाहिए ना सैयद मुस्तफा कमाल साहब, फर्ज करें अगर कल को अक्सरियत होती है और ये सुबाई हुकूमत आपकी अक्सरियत तकलीफ में बदल दे तो फिर वो खुद जो है वो साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी लालच में 30 दिनों तक ये रुक जाते, आज या तो ये मेयर होते या हमारा कोई आदमी मेयर होता और इस शहर में 53 यूनियन काउंसिल और ऐड हो चुकी होती हैं, नहीं सुनते। मैं अपनी पूरी पार्टी लेकर उनके पास चला गया था कि मैं आपके झंडे के नीचे एहतजाज के लिए तैयार हूं, उनके पास लोग जमा नहीं थे, ये रोजाना क्रिकेट खेलते थे वहां पर और फूड के स्टॉल्स लगाकर वहां पर लोगों को बुलाते थे, तो सिर्फ कराची के इश्यूज पे बाहर निकले थे, हम जाकर बैठ गए वहां डर गए, फिर जब हमने धरने की डेट दे रखी थी उससे पहले ही अपने घरों पर चले गए। तो जमात इस्लामी और आप ये धोखा कह रही है भाई, उनके नंबर नहीं थे, पीटीआई वालों ने अपनी क़यादत के साथ धोखा किया है ना, उन्होंने उनके नंबर तो नहीं थे ना उनके, इनका तो कोई आदमी तोड़कर नहीं लेकर गया जमात के साथ रास्ते में आ गए थे। उन्होंने सही किया सर, अगर नहीं भी आते लोग का कोई ना कोई लालच या ऑफर तो किया गया होगा ना, अब वो जो नहीं आए उनको ज्यादा बेहतर पता है, उन्हें जो सूट किया गया क्यों पारस जी, हम किसी 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 जो है वो किसी आइडियल वर्ल्ड में रह रहे हैं क्या, बातें कर रही हैं, जहां पर बड़े बड़े वुजरा बड़े बड़े लोग नहीं रुक रहे वहां पर ये बेचारा यूसी नाजिम, उसकी क्या कितनी है उसकी हिम्मत, उसकी सख्त है कि वो जो है वो पूरे पाकिस्तान के अभी मूड को जो है उसके खिलाफ जाकर खड़ा हो जाए, कैसे हो सकता है? आखिरी बात, आप लोगों के एतराजात एमक्यूएम के पे, लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं आप यानी कि एमक्यूएम उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है, क्योंकि मईशत हो या महंगाई से लेके अब तक कोई मसला जो है वो हल तो नहीं हो सका है, सिर्फ एक IMF से डील होने की उम्मीद जो है वो नजर तो आई है, तो आप लोग मुतमईन हैं? नहीं हम मुतमईन नहीं हैं, हम यकीनन मुतमईन नहीं हैं और हमने अपनी गुजारिशात जो है वो करते रहते हैं और की भी हैं, लेकिन हमें ओवरऑल जो है वो मुल्क की सिचुएशन देखना ये हमें देखना पड़ेगा और देख रहे हैं कि भाई किन हालात में जो है वो मुल्क को उन्होंने टेक ओवर किया है, लिया है और लिया किन हालात में जाकर ये सारी चीज और ये जो पॉलिटिक्स और ये कह के आए थे कि तमाम मसाइल कर देंगे, तो अब डिफरेंट बात सुनी होनी चाहिए कि कह के आए थे
ये बिल्कुल नहीं आने चाहिए, लेकिन डेफिनेटली एक साल तमाम मसाइल हल करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन में जो ओवरऑल कारकर्दगी है वो अबव एवरेज है, मैं आइडियल नहीं कह रहा, अबव एवरेज है मैं कहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए, अपने मुल्क का ख्याल रखिए, पारस जहाँ से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।